दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में बता रहा हूँ अम्ब्रेला मशीन के अंदर जो बाइबिन केस सेटल में फंस जाता है, ये वाली पत्ती टूट कर इसमें बाइबिन केस फंस चुका है मशीन में, और मैं आपको जो है निकाल के दिखाऊंगा। तो मैं एक बार पहले जो है आपको दिखा दूँ कि आखिर ये किस तरीके से टूट कर फंस गई है। तो देखिए ये जो है बाइबिन केस इसमें फंसी हुई है, और मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि किस तरीके से फंसी हुई है। तो देखिए यहाँ जो एक पत्ती लगी हुई होती है जिसे पकड़ के हम बाइबिन केस को निकालते हैं, वो पत्ती देखिए ये है, और ये पत्ती जो है हमारी इसमें टूट गई है और बाइबिन केस हमारा फंस गया है। तो इसको कैसे निकालते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ इसको निकाल कर। तो हमें क्या करना है, मशीन को जो है हमें इस तरीके से रख लेना है, और रखने के बाद जो है मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो हमें जो है एक पेचकस लेना है, और आप कील भी ले सकते हैं, चिमटी भी ले सकते हैं, या कोई भी चीज़ ले सकते हैं। देखिए एक तो ये पेचकस है और दूसरा ये मेरे हाथ में चिमटी है, तो आप कील भी ले सकते हैं, पेचकस भी ले सकते हैं। तो सेटल को जो है हमें यहाँ रखना है। अगर आप यहाँ नीचे रखेंगे तो यहाँ से जो है इसमें प्रेस नहीं कर पाएंगे बाइबिन केस को। तो यहाँ हमें रखना है, और रखने के बाद जो है इस तरीके से प्रेस करना है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर रख दिया है, और ये मैं चिमटी जो है बाइबिन केस में लगा देता हूँ उस साइड से, और पेचकस को जो है मैं इस साइड से इस वाली पत्ती को प्रेस करता हूँ पेचकस से, बाइबिन केस के पत्ती को प्रेस करके, और चिमटी से मैं धक्का देके इसको देखिए मैं निकाल रहा हूँ, हल्के हल्के निकल रहा है, और ये देखिए निकल गया। तो आपको भी जो है इसी तरीके से निकालना है, बहुत आसान और ईजी तरीका है। और देखिए ये बराबर निकल गया है, और अब जो है मैं इसको रख देता हूँ और इसमें लगा के दिखाता हूँ नई बाइबिन केस, और देखिए वो किस तरीके से जो है लग रहा है, या इटक रहा है, या ये भी टूट जा रहा है, मैं आपको अभी अभी दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैंने ले लिया है, ये पुरानी बाइबिन केस है, इसको मैं हटा देता हूँ, इससे मैं ले लेता हूँ बाइबिन, और बाइबिन लेने के बाद मैं इसमें लगाता हूँ और देखता हूँ अब फंस रहा है या नहीं फंस रहा है। तो इसमें बाइबिन केस में लगा के एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये किस तरीके से आखिर लग रहा है। तो देखिए ये बराबर लग रहा है, और मैं इसको निकाल के चेक करता हूँ, देखिए ये बराबर निकल भी रहा है। तो अगर आपको इस तरीके की कभी भी दिक्कत हो तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें।